सबोंग को हाफिज साबित, और मैं फुफा फुफू को धन्यवाद बोल देना चाहता हूँ मिस्टर और मिसेस एम लकड़ा को इतने अच्छे गाने के लिए, कि हमें सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, और अभी भी करते आ रहे हैं। और आज के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ आकर के परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख और कुछ सुन सकते हैं। चलिए हम लोग अपने बाइबल खोलते हैं और मत्ती तेरह पंद्रह और सोलह। अगर कोई खोलिए तो कृपया करके पढ़ दें। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चला दूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। धन्यवाद। मैं ये फिर से पढ़ना चाहूँगा और हम लोग थोड़ा वर्स 13 से पढ़ेंगे। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ, ना परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा कि आप पैराबल्स में, आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं, तो यहाँ परमेश्वर उन्हें जवाब दे रहे हैं। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके विषय में यशया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊँचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारे आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आज का जो विषय है वो है आध्यात्मिक अंधता, या बोल सकते हैं आध्यात्मिक अंधापन। या हम लोग जो बाइबल वर्स पढ़े मत्ती में, जो पैराबल, इससे पहले जो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताए और चेलों ने पूछा कि आप दृष्टांतों में क्यों बताते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें ये जवाब दिया कि ऐसे हैं देखते, वो धन्य है वे, जो लास्ट वर्स हम लोगों ने पढ़ा, धन्य है वे जो, कोई कंप्लीट कर सकते हैं प्लीज, 16, धन्य है वे आंखें जो देखती हैं और वे काने जो सुनते हैं। इस पाठ में अगर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पाठ में यीशु मसीह कई बीमारियों का उल्लेख कर रहे हैं जो पूरे समय कई लोगों को पीड़ित करती रही है, जैसा हृदय का रोग या श्रवण या दृष्टि संबंधी प्रॉब्लम्स। और यहाँ बताया गया कि बीमारियाँ शारीरिक प्रकार की नहीं है, यहाँ यीशु मसीह बताने चाह रहे कि ये बीमारियाँ शारीरिक प्रकार की नहीं है। कई लोग डॉक्टर के पास जाएंगे अपना ये इलाज कराने के लिए या फिर इस बीमारियों का इलाज तलाश करने के लिए, लेकिन यहाँ यीशु कह रहे हैं कि ये
शारीरिक आँख या शारीरिक कान का तकलीफ नहीं है और इसीलिए यहाँ इस मार्ग में यीशु ने जिन बीमारियों का उल्लेख किया है वे आध्यात्मिक बीमारियाँ हैं जिन्हें केवल परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता ही ठीक कर सकती है। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना ही ठीक कर सकते हैं इन बीमारियों को। आध्यात्मिक अंधापन, आध्यात्मिक अंधापन, चलिए हम लोग इफिसियों की किताब इफिसियंस 4 वर्सेस 17 से 19, इफिसियों 4 17 से 19 पढ़ेंगे और अगर कोई खोल लिया तो कृपया करके पढ़ें। इफिसियंस 4 17 टू 19, इफिसियों 4 17 से 19। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनुभूति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे फिर ऐसे ना करो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो खुद में है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वे सुख होकर स्वर्ग में रहते हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। धन्यवाद। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के भाइयों को इस भयानक बीमारी के लक्षणों से सावधान कर रहे हैं। ये जो बाइबल वर्स हम लोग पढ़े इफिसियों 4 17 से 19, यहाँ पे पौलुस जो इफिसुस भाइयों को इस भयानक बीमारी के लक्षणों से सावधान कर रहे हैं। सिर्फ ये इफिसस या फिर उन भाइयों के लिए ये नहीं है, ये आज हमारे लिए भी है कि हम भी इन बीमारियों से सावधान रहें। और जब पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा तो उसने उन्हें अंधेपन से भी आगाह किया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4:3-4, सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्सेस 3-4, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 3-4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार का प्रबलता पड़ा है तो वह नाश होने वालों के लिए पड़ा और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि तो इस संसार के ईश्वर के अंधे कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पे वह उन लोगों का उल्लेख करता है जो इस संसार के परमेश्वर, इन संसार के परमेश्वर इबलिस द्वारा अंधे हो गए हैं, इसलिए वे परमेश्वर से अलग हो गए हैं क्योंकि वे विश्वास नहीं करेंगे और सुसमाचार की सच्चाई का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पौलुस इफिसियंस और कुरिन्थियों के भाइयों को ये खत लिख करके इस बीमारी के बारे बता रहे हैं कि ये बहुत भयानक बीमारी है। इसलिए जैसा हम लोग पहला बाइबल वर्स में पढ़े, आँख हो करके भी हम नहीं देख सकते, कान हो करके भी हम नहीं सुन सकते, ये हमारे आध्यात्मिक अंधापन या बहरापन है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना। आइए हम जो हम लोग बात करें आध्यात्मिक अंधापन स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, इसके बारे कुछ जांच करें
और इसके कुछ कारण जाने। सबसे पहला कारण अभिलाषा, या कह सकते हैं लालसा, या इंग्लिश में है लस्ट, जो हिंदी में है वासना। पहला रीजन, सांसारिक मन वाले लोग हर तरह से कल्पना की जा सकने वाली देह की वासनाओं को संतुष्ट करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मादक पदार्थों से, खाने पीने के पदार्थों से, जैसे हो गया सिगरेट, तंबाकू, दारू, बीड़ी, मादक पदार्थों की लत, जुआ, ये बहुत कॉमन हो गया है। अभी हम लोग कहीं भी जाए, यंगस्टर्स को या फिर बड़े बूढ़ों को देखेंगे कि पेड़ के नीचे बैठ करके वो जुआ खेलते हैं। बाल उत्पीड़न, चाइल्ड अब्यूज, ये भी बहुत कॉमन हो गया है अभी। चाइल्ड अब्यूज, बाल उत्पीड़न और हत्या। हत्या इतना तक कि गर्भपात भी एक हत्या है। कुछ महीने पहले अमेरिका में यंग गर्ल्स, मतलब क्या बोलेंगे, जवान युवतियाँ, गवर्नमेंट बोला कि अमेरिकन गवर्नमेंट बोले कि अबॉर्शन बैन करेंगे। अबॉर्शन अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन जो ये अनमैरिड वुमेन है, ये सब इनके खिलाफ खड़े हो गए कि अबॉर्शन बैन सरकार नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये संसार जिसमें हम अभी जी रहे हैं किस राह पे चल रही है। और हमारे कुछ भाई बहन, या फिर बोलेंगे मसीही भाई बहन, शरीर की पापी अभिलाषाओं, आँखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड से अंधे हो गए हैं। शरीर की पापी अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड से अंधे हो चुके हैं। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, क्या हम भी अंधे हो चुके हैं? ये हमें अपने आप पर जांचना है। और अगर हम अंधे हो चुके हैं तो शायद कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। अगर हम अंधे हो चुके हैं तो इसका इलाज सिर्फ पवित्र शास्त्र में और इसका आज्ञा पालन करना ही है। दूसरा, अंधे मार्गदर्शक, अंधे मार्गदर्शक, रॉन्ग गाइड या फॉल्स गाइड। चलिए हम लोग मत्ती 15 उसका 1, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ, यीशु ने कहा, और यदि अंधा अंधे की अगुवाई करे तो दोनों खाई में गिरेंगे। ये तो बहुत सिंपल है समझना, अगर कोई अंधा अंधे की अगुवाई करेगा तो दोनों खाई में गिरेंगे। और यशया 9 उसका 16, यहाँ पे यशया के दिनों में झूठे भविष्य वक्ताओं ने लोगों को गुमराह किया और उन्होंने परमेश्वर के लोगों को भी गुमराह किया। आज बहुत से ऐसे तथाकथित सुसमाचार प्रचारक ऐसे लोगों के कानों में गुदगुदी कर रहे हैं जिन्हें सत्य से प्रेम नहीं है, और परिणाम स्वरूप वे आत्मिक अंधकार में चल रहे हैं। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी का वचन सुनते हैं, प्रीचिंग सुनते हैं, या फिर वेस्पर या सर्मन या मिड वीक या कहीं पे भी, तो कुछ बातों में हमें अपने कान में खुजली लगती है। शायद मतलब फिजिकल प्रैक्टिकल खुजली नहीं, लेकिन खुजली इसलिए लगती है कि हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि
ये पादरी मेरे बारे बोल रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि कान में हमें खुजली लगने लगती है, और यही रिजल्ट है आत्मिक अंधापन का। नीति वचन 28 उसका 10, नीति वचन 28 उसका 10, कृपया करके अगर कोई पढ़ दे, नीति वचन 28 उसका 10। जो सीधे लोगों को भटका कर खूब मार पर ले जाता है, वह अपनी खोली पे धक्के में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे सुलेमान कह रहे हैं जो जो धर्म के पथ भ्रष्ट, जो धर्म के पथ भ्रष्ट कर देते हैं, और जो अपने ही गढ़े में गिरेगा, वो अपने ही गढ़े में गिरेगा। अगर कोई किसी को रॉन्ग गाइड कर रहा है, अगर कोई किसी को गलत वचन बता रहे हैं, तो वो खुद के गढ़े में ही गिरेगा। अगर वो किसी के खिलाफ गलत चीज़ का प्रचार कर रहा है, तो यहाँ बाइबल कहती है नीति वचन 28 उसका 10, सुलेमान, यहाँ सुलेमान राजा ये कहते हैं कि वो खुद अपने बनाए हुए गढ़े में खुद वो गिरेगा। झूठे शिक्षकों द्वारा कई धार्मिक लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यीशु ने अपने दिनों में झूठे शिक्षकों को चेतावनी दी थी, और पहाड़ी उपदेश में हम जानते हैं मत्ती 7 उसका 15 से 18, यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िया हैं, आप उनको उनके फलों से जानेंगे। क्या मनुष्य कांटों के अंगूर व अंजीर के अंजीर बटोरते हैं, तो भी हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु भ्रष्ट वृक्ष बुरा फल लाता है। अच्छा वृक्ष न तो बुरा फल ला सकता है, न भ्रष्ट वृक्ष अच्छा फल ला सकता है। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता या झूठे गाइड या झूठे टीचर्स बोलेंगे या झूठे प्रचारक जो किसी को गलत राह में ले जा रहे हैं, यहाँ बाइबल कहती है कि वो खुद उस गढ़े में गिर जाएंगे। तीसरा, लोगों का डर। कुछ भाई इस बात से डरते हैं कि अगर वे किसी को ईसाई बताते हैं तो वे क्या सोचेंगे। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वो अपने दोस्तों को बोलेंगे कि मैं मसीही हूँ, तो वो सोचते हैं कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। लोगों का डर, जो अपना सच्चाई है वो हम लोगों से बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि मैं एक मसीही हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ। यहूना ने प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8, चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, अगर किसी का खोलना हो गया तो कृपया पढ़ दें। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8, 21 उसका 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और हत्यारों और व्यभिचारियों और क्रोधों और बुद्धि पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, या उस झील की धूप है। धन्यवाद। जैसे आप बाइबल वर्स पढ़े और जैसे बाकी हम लोगों ने बाइबल देख करके पढ़ा, यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि प्रेरित यूहन्ना ने भयभीत लोगों को किसके सम्मुख रखा है। सबसे पहला परंतु डरपोक, भयभीत लोगों को किसके साथ रखा है, किसके साथ रखा है, अविश्वासी
घिनौने हत्यारे व्यभिचारी टोना मूर्ति पूजक इनके साथ रखा है, तो अगर वो अपने सच्चाई को लोगों को बताने से डरते हैं तो इन भयभीत लोगों का नाम भी यहूना बोल रहे हैं कि यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। नीति वचन 29 उसका 25 देखते हैं आज सुलेमान राजा क्या कहते हैं। नीति वचन 29 उसका 25 नीति वचन 29 उसका 25 अगर कोई पढ़ दे तो उसका भाई खाना ठंडा हो जाता है, परंतु जो यहोवा को भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। धन्यवाद। ये सोचने की बात है, यहाँ पे जो नीति वचन 29 उसका 25 में लिखा, मनुष्य का भय मानने से फंदा उत्पन्न होता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहता है। सुसमाचार प्रचारक को इस बात का डर लगता है कि अगर वह सच्चाई अपने कॉन्ग्रीगेशन को बताएं तो शायद उनका नौकरी या उनका लोकप्रियता वे खो देंगे, इसलिए वे जो बाइबल का सच्चाई है कुछ को नहीं बताते, सिर्फ जो कॉमनली हम लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह प्रेम है, लेकिन सब्बत के बारे सब्बत की सच्चाई हम ज़्यादातर प्रचारकों से नहीं सुनेंगे। पत्रस और उसके प्रेरित लोगों के आगे झुके नहीं और उन्हें उपदेश देना और सच्चाई का प्रचार करना बंद नहीं किया। प्रेरितों के काम 5 उसका 41 और 42 यहाँ पे हम जानते हैं कि पत्रस और उसके प्रेरित यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे इस बात से आनंदित हुए कि वे उसके नाम की लज्जा सहने के योग्य समझे गए हैं, महासभा के सामने से चल गए और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश देना और यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं छोड़े। नहीं, वे मनुष्य से नहीं डरते थे, वे परमेश्वर का भय मानते थे। ये है चौथा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है समझने में, लेकिन सिंपल वे से हम लोग इसको समझेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेजुडिस और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन में देखा पूर्ण धारणा या पक्षपात। जब डिक्शनरी में इसका मतलब ढूंढा गया तो इसका सिंपल मीनिंग है कि पूर्वकल्पित निर्णय या राय या प्रतिकूल राय या झुकाव बिना किसी आधार के या पर्याप्त ज्ञान से पहले बनाया गया राय विचार, जो एक्चुअल रीजंस है उसको बिना जाने हुए हम कंक्लूजन में आ गए। बहुत से लोग धार्मिक भूल में फंस गए हैं क्योंकि वे यह जांचने सिखाने और अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसकी तुलना बाइबल की शिक्षाओं से नहीं करते हैं। बाइबल छोड़ करके वो अपना अंडरस्टैंडिंग से लोगों को बताते हैं। प्रेरितों के काम 22 से 24 यहूदी पौलुस
उसे सुनने के लिए तैयार थे, जब तक कि उसने यह उल्लेख नहीं किया कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के पास जाने के लिए चुना था। तब यहूदी नाराज हो गए। यहूदी बोलने लगे कि अन्य जातियों के पास जाकर के आप प्रचार क्यों करेंगे, वो तो हमारे चर्च के बाहर वाले लोग हैं, उनके पास जाकर के क्यों प्रचार करेंगे। तब लोग भड़क उठे और अपने वस्त्र उतार दिए और धूल उड़ा दी और पौलुस को पीटने की मांग की। बहुत से लोग ये पूर्वाग्रह, जो हम लोग ने बोला पहले ही डिसीजन ले लेना कि ये राय यह सही है, इससे बहुत लोग अंधे हो चुके हैं, क्योंकि वो बाइबल से नहीं देखते हैं कि सच्चाई क्या है। वो सिर्फ सुनते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, प्रचारक क्या बोल रहे हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स या जो भी जिनसे वो सुनते हैं वो सोचते हैं कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल से वो नहीं देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है सब्बत के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इन द कॉन्ग्रीगेशन, अगर उनको आप जाकर के पूछेंगे कि आप लोग सप्ताह का पहला दिन में गिरजा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब होगा हम नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रचारकों के द्वारा सुने हैं कि सप्ताह का पहला दिन ही विश्राम का दिन है। ऐसे बहुत से हैं जो बिल्कुल नहीं जानते। और आखिरी पारिवारिक संबंध भी आध्यात्मिक अंधा या बहरा हमें बना सकता है। पारिवारिक संबंध, कुछ लोग एक धर्म के सदस्य है क्योंकि उनके पिता, उनके माता या उनके परिवार के अन्य सदस्य उस धर्म के सदस्य हैं, उस धर्म के सदस्य हैं इसीलिए हैं क्योंकि उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली, उनके माता पिता उस धर्म के सदस्य हैं। और कुछ लोग पारिवारिक संबंधों के कारण परिवार के सदस्य को उस पाप के लिए फटकार लगाने के बजाय परिवार के सदस्य की पाप पूर्णता को सही ठहराएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार में कोई ऐसा कर देते हैं जो पवित्र शास्त्र जैसा नहीं है, उसके खिलाफ है, तो उस वक्त हमारा बोलने का तरीका, हमारा समझाने का तरीका अलग हो जाता है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये गलत है, हम लोग ये बोलते हैं कि अपना रीजनिंग देते हैं कि शायद वो ऐसा सोचा होगा इसलिए ऐसा किया, शायद वो ऐसा सोची होगी इसलिए ऐसा की। पारिवारिक संबंध भी हमें अंधा बना सकता है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं जो पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है, तो हमारे आँख अंधे हो जाते हैं, हमारे कान बहरे हो जाते हैं, और हम पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिन शुड बी कॉल्ड बाय इट्स नेम, राइट, ये सही है, पाप को उसके नाम से ही बुलाया जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ पाप है तो वो पाप है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप प्रचार करें या अगर आप दूसरों से बात करें या फिर सरमन दें, शुगर कोट, हनी कोट, शुगर कोट, हम सब जानते हैं शुगर कोट चॉकलेट्स, राइट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिटर कोट, कोई चॉकलेट बिटर तो बना नहीं है शायद, लेकिन शायद कोई अगर बिटर कोट बोले पवित्र शास्त्र से, ऐसा नहीं कि अपना बनाया हुआ,
तो फिर हमारे कान खुजली करने लगते हैं, हमारे कान में खुजली होने लगती है। पारिवारिक संबंध, एक लास्ट इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल बाइबल से हम देखेंगे और अंत करेंगे। ज़्यादातर पारिवारिक संबंध में क्या होता है कि हम सच्चाई समझौता कर लेते हैं, समझौता। जैसे कि अगर किसी के घर में अगर किसी का लड़का सिगरेट पी रहा हो या फिर तंबाकू खा रहा हो, क्रिश्चियन मसीही, और अगर कोई आकर के उन्हें बोल दे, तो कभी कभी होता है कि पेरेंट्स भड़क जाते हैं। ये नहीं कि वो अपने बच्चे को समझाए, लेकिन वो भड़क जाते हैं। वो जानते हैं कि ये गलत है, वो जानते हैं कि सिगरेट पीना या बीड़ी या फिर तंबाकू खाना गलत है, लेकिन फिर भी वो भड़क जाते हैं। पहला शमूएल 3:12-13 एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है बाइबल में। पारिवारिक संबंध हमें कैसा अंधा बना सकते हैं, हमें कैसा बहरा बना सकते हैं। पहला शमूएल 3:12-13 उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विनाश में कहा, उससे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिससे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और धन्यवाद। क्या एली नहीं जानता था उनके पुत्र कैसे हैं? अच्छी तरह से जानता था, लेकिन जैसे यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, उसने उन्हें नहीं रोका। जाहिर है कि एली अपने बेटों को रोकने में असफल रहा, क्योंकि वह पारिवारिक संबंधों से अंधा हो चुका था। हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या हमें भी आध्यात्मिक अंधापन है? सबसे पहला अभिलाषा, लालसा या वासना, लस्ट, क्या हमें ये अंधा बना सकता है? दूसरा था अंधे मार्गदर्शक, फॉल्स टीचर्स, अंधे मार्गदर्शक। क्या उनके बातें सुन करके हम लोग सिर्फ सुनते हैं और बाइबल से ये नहीं जब देखते हैं कि सच्चाई क्या है? हम उससे भी अंधे बन सकते हैं, आध्यात्मिक अंधा। और क्या हम लोगों से डरते हैं परमेश्वर का वचन बताने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं मसीही हूँ? क्या हम लोगों से डरते हैं? ये भी हमें आध्यात्मिक अंधा बना सकता है। और नेक्स्ट था, कभी कभी हम लोग अपना राय, अपना सोच के हिसाब से हम लोग पवित्र शास्त्रों का थोड़ा किनारे करके अपना सोच के हिसाब से हम लोग दूसरों को बताते हैं। ये भी हमें आध्यात्मिक अंधा बना सकता है। और आखिरी में था पारिवारिक संबंध भी हमें अंधा, आध्यात्मिक रूप से अंधा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये चीज़ सीखें, ये चीज़ याद रखें कि आध्यात्मिक अंधापन क्या चीज़ है। Sin should be called by its name, पाप ही कहलाया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इट्स ओके, वो ठीक है, वो तो छोटा बात था, वो छोटी बात है। लेकिन sin should be called by its name। अगर हम लोग ये चीज़ जाने और हम लोग और एक चीज़ हम लोग यहाँ सीखे कि हमारा डॉक्टर, हमारा प्रिस्क्रिप्शन पवित्र शास्त्र है। अगर हम लोग बाइबल, पवित्र शास्त्र का पालन करें, तो जो भी हमारा आध्यात्मिक बहरापन है या अंधापन है,
ये सब दूर हो जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति आध्यात्मिक अंधेपन का शिकार हो सकता है। और जैसे हम लोगों ने सीखा, एली वो देखा कि उसके परिवार में उसके बेटे सही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बोला, उन्हें रोका नहीं। और यहाँ पे जैसे बाइबल वर्स में पढ़े कि उसके कारण मैं उसके घराने का न्याय युगायुग करूँगा। तो चलिए हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने आंखें खोलें, अपने कान खोलें, और अगर हम थोड़ा अंधे हो चुके हैं या बहरे हो चुके हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन पवित्र शास्त्र है, और पवित्र शास्त्र का पालन करना ही हमारा प्रिस्क्रिप्शन है जो हमारे बहरेपन या आँख का अंधापन को दूर कर सकता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। हरा भरा धरती, रंग बिरंग फूल, धूप छांव है, मट्टी संग है धूल। हरा भरा धरती, रंग बिरंग फूल।